है तो फतेह बहादुर सिंह उसके खिलाफ बाई नेम मुकदमा लिखाने का काम करते हैं। उस उत्पीड़न का शिकार सुनिए, उस उत्पीड़न का शिकार मौर्य परिवार से हूँ, मौर्य परिवार से। मेरा भी भाजपा के साथ जब थे तब थे, लेकिन आज नहीं है। जब थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपके ऊपर भी मुकदमा लिखवा है? मुकदमा मेरा मकान तोड़ दिया या विधायक चंपियरगंज का, क्योंकि मैंने अखिलेश यादव को रखना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो हमारी माँ को भी पेंशन मिलेगा, हमारी वाइफ को भी पेंशन मिलेगा, मेरा लड़का भी पढ़ने लायक होगा, शिक्षा अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इन्होंने कोरोना कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़िया रूप से नहीं दे पाई। समझा नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो शिक्षा बेहतर हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी जी। तमाम अखिलेश जी आप प्रशंसा की और विधायक ने आपका मकान तोड़ दिया। बहादुर सिंह ने मेरा मकान तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं इतनी सी बात को लेकर फतेह बहादुर सिंह आपका मकान तोड़वा दिए। हाँ, जो भी मैं ही नहीं मतलब क्षेत्र में फतेह बहादुर का खिलाफ जाता है उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा कायम होता है, या कोई ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि, सुनिए, मकान तोड़ने का कोई तो लॉजिक होगा? मेरा मकान बारात घर के सिपाही होने के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मकान तोड़ा गया। उस मकान में पेपर में भी निकला था बारात घर बनवाने के नाम पे तोड़ा गया, जबकि 4 डिसमिल जमीन में विधायक निधि का बारात घर नहीं बनता है। मौके पे सरकारी कागज में 4 डिसमिल आबादी था जीएस की जमीन, कम से कम 5 डिसमिल जमीन होना चाहिए, लेकिन विधायक फतेह बहादुर की गुंडई से, दबंगई से, और वहाँ का ग्राम प्रधान भी एक उन्हीं का करीबी था, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से मौर्य परिवार का होने के नाते इसके पहले सारे मौर्य फतेह बहादुर सिंह के साथ थे, लेकिन जब मौर्य को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो सारे मौर्य फतेह बहादुर से भी हट गए और भारतीय जनता पार्टी से तो लोग हटे ही हैं। मकान मेरा तोड़ा, बारात घर के नाम पे टूटा, और वहाँ आज भी आप ग्राम सभा धर्मपुर में जाकर पता कर सकते हैं, उसमें बोर्ड लगा है वीर बहादुर सिंह वाचनालय, पेपर में बारात घर के नाम से। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहा है आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम इस समय गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज विधानसभा में। आपको बता दें यहीं से फतेह बहादुर जी लगातार 6 बार से विधायक है। फतेह बहादुर सिंह वीर बहादुर सिंह के लड़के हैं, वीर बहादुर सिंह कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। यूपी चाहता क्या है, यूपी के लोग चाहते क्या है, यूपी में कितना विकास हुआ है, यूपी के किसान क्या खुशहाल है, हम लोगों से बात करेंगे। 6 बार का विधायक, क्योंकि चुनाव चिन्ह अगर घड़ी रहे, मेरे कहने का मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वो व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो चुनाव जीत जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जनाधार है। हमारे साथ जनता है, हम लोगों से बात करेंगे जनाधार का कारण, 6 बार चुनाव जीतने का कारण। हमारे साथ लोग हैं, क्या नाम भैया, क्या नाम पड़ेगा? सुरेंद्रदास यादव। यादव जी, 6 बार से लगातार फतेह बहादुर जी विधायक हैं, इसका कारण क्या है? क्या विपक्ष कमजोर है कि उनका जनाधार है? विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन सत्ता में रहते हुए कैंपियरगंज विधानसभा के जो भी नौजवान और जो भी अन्य पार्टी के नेतागण है उनको दबाया जाता है और दबा कर पूरी दबा की रानी तो करते हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के लोग या कैंपियरगंज विधानसभा के कोने कोने से सभी नौजवान, किसान, सब लोग तैयार है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है। सवाल मैं आपसे पूछा हूँ, मैं अपने उसमें बोला भी हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर घड़ी का चुनाव चिन्ह है, घड़ी चुनाव चिन्ह, तब भी वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि टोटल दबाव बना के राजनीति करते हैं, और इस बार अपराधी प्रवृत्ति के हैं क्या? नहीं, अपराधी प्रवृत्ति के तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के ही माना जाएगा, क्योंकि जो भी नौजवान अन्य पार्टी जाकर प्रचार प्रसार करता है, अन्य पार्टी के उम्मीदवार के साथ चलता है, उसको तमाम तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है। समाजवादी पार्टी से है क्या? हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं जी। तो आप अगर विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में आप हैं यहाँ पे, तो आप पर दबाव बनाते हैं, आप पर भी बना देते होंगे? जनता पर दबाव बनाते हैं, जनता पर, तो जनता मान जाती है उनकी बात? जनता डरी हुई थी पहले, लेकिन अब जनता पूरी तरह से मूड बना ली है। अखिलेश जी की तो रैली तो बहुत जानदार रैली हुआ, परिवर्तन का पूरा नौजवान, किसान, सब लोग परिवर्तन का मूड बना रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस रैली। बीजेपी हताश हो गई है, बीजेपी को मालूम है कि अब चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार नौजवानों ने कल अपना जोश, किसानों ने अपना जोश दिखाया है, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की, निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। फिर मैं कैंपियरगंज की ही बात करूंगा, क्योंकि कैंपियरगंज की बात इसलिए करूंगा कि कैंपियरगंज की जमीन अभी तक जानने आया। सबसे आगे आपके हिसाब से, आप विपक्ष के नेता हैं तो बहुत कुछ चीजें आप देखे भी रहेंगे, काम जो नहीं हुआ होगा, वही बता दीजिए, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है यहाँ का? सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यहाँ का है कि नौकरी, बेरोजगारी बहुत है, लोग लाचार है, और बीजेपी सरकार में महंगाई से लोग, सारे लोग तो त्रस्त है, डीजल, पेट्रोल, तेल,
सब्जी का सामान सब कुछ तो महंगा इस सरकार में, इस सरकार में पूरी तरह से जनता त्रस्त है, इसलिए पूरी जनता है मन बना लिया है। महंगाई का असर क्या बहुत है, महंगाई का असर बहुत है। सवाल और है, महंगाई 2017 में मुख्यमंत्री महाराज जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद 22 का समय, बीच में 19 में चुनाव हुआ, लेकिन तब भी तो आपकी पार्टी तब इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा मानते हैं, मतलब आप मानते हैं, साधु यादव के भाई मानते हैं कि 2 साल जो है महंगाई नहीं था, इस बात को मानते हैं? 2017 से महंगाई धीरे धीरे बढ़ती गई। वही मैं कहना चाहता था, धीरे धीरे बढ़ती गई या इस समय चरम पर है, महंगाई चरम पर है। तो इसका मतलब लोग त्रस्त है, लोग जो है वोट में, अभी पेट्रोल पंप है, आप जाकर पूछ सकते हो, नौजवान साथी हैं पेट्रोल भराने जा रहे हैं, जो भी नौजवान साथी सब पूछ सकते हैं कि पेट्रोल भराने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। सरकार तो कर रही है 10-12 रुपया कम हो गया, 10-12 रुपया से क्या होता, फर्क पड़ेगा 10-12 रुपया? तो जो हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट आया, हिमाचल प्रदेश का जो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जो जनादेश आया, उससे डर गई बीजेपी सरकार, इसलिए बिहार में उसके विधायक नहीं जीते। बिहार नहीं, प्रदर्शन अच्छा था, विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा था। अच्छा, विपक्ष के प्रदर्शन, वोट प्रतिशत बढ़ा है वहाँ पर, वोट प्रतिशत बढ़ा है जी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हार गए। हम लोग नहीं हारे हैं, हमारी पार्टी वहाँ नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो भी पार्टी है उनका जनाधार बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है बिहार में। अच्छा, तो इस बार मतलब आपके हिसाब से कैंपेनर में परिवर्तन का रूप दिख रहा है? निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, क्या लग रहा है? आप सही है, इनके पास एकदम सही है, जनता मांग हो गया 200 रुपया किलो, 200 रुपया किलो जनता ऐसे तरा बा, तो कड़ू के तेल मतलब वोट में तब्दील हो पाई? कहा नहीं, जो जनता खा नहीं पाई कहीं नहीं, नहीं कहले की बात नहीं, वोट में तब्दील हो पाई कि नहीं, जैसे विपक्ष के वोट मिली नहीं। सही बताइए, जो यहाँ फतेह बहादुर जी लगातार चुनाव जीतते हैं, तो महंगाई के कारण लोग उनको वोट नहीं दी, महंगाई की वजह से उनको वोट दी नहीं थी? अच्छा, हाँ, चीज अगर हो सकता है, एकदम सही है, परिवर्तन इधर हो रहा है, अब बहुत तेज हो रहा है, इस बार साधु भैया को रोक ले सकता है। यादव जी हैं? नहीं, सुनील सिंह हमारा नाम है। अच्छा, ठीक है, हम छात्र हैं। एक सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ, एक सवाल है, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार कह रही है कि 4.5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार मिला है और 2 करोड़ लोगों को मतलब अप्रत्यक्ष रोजगार, रोजगार इनको मिली होती, कितना धरना प्रदर्शन हो रहा है, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग सड़क पे आ जा रहे हैं, आखिर कहाँ दिए नौकरी, बताइए कहाँ नौकरी दी? बस सिर्फ ठीका है, रेलवे ठीका हो गए, हवाई जवान ठीका हो गए, कुछ हरिये ठीका बा, कुछ चक्कर में के आवक चाहिए, तब सरकार में के आवक चाहिए, अखिलेश के आवक चाहिए, अखिलेश के आवक, हाँ अखिलेश से चल गए ना, अखिलेश फिर आ जाइए, हाँ अब की आ जाइए, पक्का अब की आ जाइए। अरे भाई 4 साल तो दिखे ही नहीं, अरे 4 साल रहा था, भाजपा वाले कह रहे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि 4 साल दिखे नहीं, चुनाव में आ गए ना, कैसी 4 साल दिखे रहे पाटन आई, हाँ सरकार अखिलेश सिंह के आई, अखिलेश सिंह, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, हाँ आई, हाँ यादव जी, एक और समस्या मैं पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी की बात इन्होंने किया, शिक्षा की बात किया, फतेह बहादुर सिंह के पिताजी वीर बहादुर सिंह जो नौकरी, लोग कहते हैं कि नौकरी देने को उस्ताद थे, मतलब इतना नौकरी दिए क्षेत्र में, ये भी एक कारण है क्या जीत का? कोई जीत का कारण नहीं है, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की सोच अच्छी थी, पूरे कैंपेरा विधानसभा के लोगों को अपने परिवार के तरह मानते थे, लेकिन जब से उनके पुत्र वीर फतेह बहादुर सिंह आए क्षेत्र में, एक दबाव की राजनीति और नौजवानों बेरोजगारी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई ऐसी चीज पूरे विधानसभा में नहीं हुआ कि जहां पर नौजवान हमारे जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी पाए, कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं कर पाया, 30 सालों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पूरे कंपेयर। एक और सवाल, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक सवाल है, जातिगत समीकरण को आप इनकार नहीं कर पाएंगे, और खासकर यूपी और बिहार में, मानते हैं इस चीज को? फतेह बहादुर जाति के राजपूत है और राजपूतों की संख्या 1% के करीब भी नहीं है शायद, जो लोगों ने बताया हमको, निषाद बहुल है, उसके बावजूद अभी आपने कहा दबाव की राजनीति करते हैं तमाम चीजें, यादव भी बहुसंख्यक हैं यहाँ पे, ठीक ठाक हैं, आबादी ठीक है, निषादों की आबादी, उसके बावजूद चुनाव जीतते हैं सिर्फ दबाव के कारण कि विकास के कारण? देखिए, जब क्षेत्र के लोग जागरूक होते हैं, जब जनता जागरूक हो जाती है और जनता जब समझ जाती है कि दबाव की राजनीति अब नहीं हो पाएगी, पहले दबाव की राजनीति जरूरत से ज्यादा था, लेकिन अब कोई दबाव की राजनीति नहीं चल रही है, अब लोग खुद निर्णय लेने के में सक्षम है, इसलिए इस बार परिवर्तन। क्या लग रहा है भाई, आप बताइए क्या लग रहा है कि यूपी का माहौल क्या है, इस बार परिवर्तन होगा कि परिवर्तन का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में?
उस परिवर्तन में इस बार सबसे बड़ा परिवर्तन गोरखपुर जनपद है, महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन पूरे गोरखपुर जनपद में, सबसे बड़ा परिवर्तन कैंपियरगंज विधानसभा में होने जा रहा है, क्योंकि पूरा भारत आजाद हो गया लेकिन कैंपियरगंज भी आज भी आजाद नहीं हुआ है, न सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ के वर्तमान विधायक जो फतेह बहादुर सिंह है, नौजवान बेरोजगार जो गांव के लोग हैं, यदि वो लड़का गरीब परिवार का है, सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि वो राजनीति करने के लिए सोचता है, तो फतेह बहादुर सिंह उसके खिलाफ बाई नेम मुकदमा लिखाने का काम करते हैं। उस उत्पीड़न का शिकार सुनिए, उस उत्पीड़न का शिकार मौर्य परिवार से हूँ, मौर्य परिवार से मेरा भी भाजपा के साथ जब थे तब थे, लेकिन आज नहीं है। जब थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपके ऊपर भी मुकदमा लिखवा है। मुकदमा मेरा मकान तोड़ दिया या विधायक कैंपियरगंज का, क्योंकि मैंने अखिलेश यादव को रखना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो हमारी माँ को भी पेंशन मिलेगा, हमारी वाइफ को भी पेंशन मिलेगा, मेरा लड़का भी पढ़ने लायक होगा, शिक्षा अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इन्होंने कोरोना कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़िया रूप से नहीं दे पाई। समझा नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो शिक्षा बेहतर हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी जी, तमाम अखिलेश की आप प्रशंसा की और विधायक ने आपका मकान तोड़ दिया, फतेह बहादुर सिंह ने मेरा मकान तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं इतनी सी बात को लेकर फतेह बहादुर सिंह आपका मकान तोड़वा दिए। हाँ, जो भी मैं ही नहीं क्षेत्र में फतेह बहादुर का खिलाफ जाता है उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा कायम होता है, या कोई ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि, सुनिए, मकान तोड़ने का कोई तो लॉजिक होगा, कोई मेरा मकान बारात घर के सिपाही होने के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मकान तोड़ा गया। उस मकान में पेपर में भी निकला था बारात घर बनवाने के नाम पे तोड़ा गया, जबकि 4 डिसमिल जमीन में विधायक निधि का बारात घर नहीं बनता है, मौके पे सरकारी कागज में 4 डिसमिल आबादी था जी, उसकी जमीन कम से कम 5 डिसमिल जमीन होना चाहिए, लेकिन विधायक फतेह बहादुर की गुंडई से, दबंगई से, और वहाँ का ग्राम प्रधान भी एक उन्हीं का करीबी था, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से मौर्य परिवार का होने के नाते, इसके पहले सारे मौर्य फतेह बहादुर सिंह के साथ थे, लेकिन जब मौर्य को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो सारे मौर्य फतेह बहादुर से भी हट गए और भारतीय जनता पार्टी से तो लोग हटे ही हैं। मकान मेरा तोड़ा, बारात घर के नाम पे टूटा, और वहाँ आज भी आप ग्राम सभा धर्मपुर में जाकर पता कर सकते हैं, उसमें बोर्ड लगा है वीर बहादुर सिंह वाचनालय, पेपर में बारात घर के नाम से निकला कि बारात घर बनेगा, विवाह घर बनेगा, आज भी एक पत्थर लगा है जिस पत्थर पे आप जाकर देख सकते हैं ग्राम सभा धर्मपुर में, खास धर्मपुर में 1000 मौर्या की आबादी है, वहाँ पत्थर लगा हुआ वीर बहादुर सिंह वाचनालय एवं पुस्तकालय, आप जाकर देख लीजिए उसमें कोई वाचनालय कोई पुस्तक रखा हो तो, और उसी नाम से इनका भी कार्यालय है वीर बहादुर सिंह वाचनालय नाम से, ये फतेह बहादुर सिंह का खुद कैंपियरगंज कार्यालय है, जो पुस्तैनी वो लोग उसी में कब्जा किए हुए हैं, जबकि अगर वाचनालय वीर बहादुर सिंह के नाम से वाचनालय पुस्तकालय बन जाता है वो आम जनता का हो जाता है, कोई भी आवे कोई भी वहाँ बैठे, लेकिन स्पेशल वो अपने पार्टी का कार्यालय बना लिए हैं। मुझे ये लगता है कि मेरे मकान तोड़ करके जो बनाए हैं आने वाले समय में उसको भी अपना स्पेशल कार्यालय बनाएंगे, इसीलिए तो बारात घर के नाम पे तोड़ करके वीर बहादुर सिंह आपको अचनाला बनाए। आप तत्कालीन का देना चाहिए, इसकी शिकायत कही किए, मैंने मेरा मामला दीवानी बाद दाखिल था गोरखपुर में, दीवानी न्यायालय में दाखिल था, तो मदद किए इनके भाई, तो भाई है सुरेंद्र, एक चक्कर जब लोग आए थे तोड़ने, तो समाजवादी सिपाही होने के नाते या एक सही रास्ते पे चलने के नाते करीब 300-400 की संख्या आधे घंटे के अंदर जुट गई थी, प्रशासन वापिस आ गई, लेकिन वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग पहुँच गए, इससे उनका कान खड़ा हो गया कि समाजवादी पार्टी के पहुंचने के नाते उसका मकान रुक गया, दोबारा डबल फोर्स भेजे, 2 JCB भेज करके तोड़ने का काम किए, और मुझे पुलिस तत्काल उन्हें गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, मेरे माँ को, मेरे नाबालिग जो भतीजे थे उनको भी बैठा करके पुलिस यहाँ थाने में लाकर एक काउंटर चालान करती है। ये थे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ आम लोग भी थे, इनका साफ कहना है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होगा। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।